हेलो हेलो, नमस्ते जी भाई, नमस्ते। आवाज आ रही है नमस्ते मेरी? नमस्ते नमस्ते। आपने बहुत अच्छा केस आज डाला है। सो ग्रुप के सभी डॉक्टर्स हमारे डॉक्टर मीरा बहन का वेलकम करेंगे। एंड वेलकम मीरा भी, वेलकम हो। थैंक यू, वेलकम थैंक मीरा जी। यू माने सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते सर। वेलकम कोयली मीरा दी। वेलकम दी, पंकज यू, थैंक करना वेलकम दी, हो ग्रेटिट्यूड टू, थैंक यू वंदना दी, थैंक यू सो मच सभी को वार्म वेलकम के लिए। थैंक यू भाई, स्पेशल ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर हनुमान सर, जो हम लोगों को इतना अच्छा ब्यूटीफुल होम्योपैथी साइंस दिए, जिसकी वजह से हम लोग सभी कितने अच्छे केसेस भी प्रेजेंट कर सकते हैं और सभी को ना खुशी भी दे रहे हैं अभी। स्पेशल ग्रेटिट्यूड टू रंजित भाई, जो हमारे गुरु है, हमारे ग्रुप में हम लोग इतना अच्छे से, एक इतना अच्छा फोरम है जहाँ पे रोज हम लोग कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, जिनकी वजह से हमें इतना कॉन्फिडेंस भी आ गया है कि हम लोग ग्रुप में केस प्रेजेंट कर सकते हैं। सभी बहुत अच्छा एनालिसिस भी दिए हैं भाई। अभी केस मैं नरेट करूं क्या? कोई करेंगे? मैं रिटर्न में ही डाली हूँ, वॉइस में नहीं डाली थी, लैंग्वेज अलग को था। म्यूट कर देंगे। जी एक भाई, बार आप लीव करके ज्वाइन करिए। जी भाई, अभी सही है? हाँ सही है। जी, अभी आवाज नहीं केस सही आ को रही। म्यूट कर दीजिए आप पहले। केस भाई मैं को नरेट कर केस दीजिए। नरेट, हाँ जी, आप, हाँ स्पेशल ग्रेटिट्यूड टू रंजीत भाई, जो हमारी ग्रुप में हमको सिखा रहे हैं रोज कुछ ना कुछ, और बहुत अच्छे से हम लोग कुछ ना कुछ एक दिन सीख ही रहे हैं, किसी को वो हेल्प भी कर रहे हैं। तो दैट वो मैं स्पेशल ग्रेटिट्यूड, जितना भी हम लोग केस क्योर कर रहे हैं, सभी क्रेडिट उनको ही जाता है। जो भी माइंड मेथड में हम लोग थे, वो हम लोगों को इतना नया दिशा दिखा दिए, तो हम लोग ऐसे हम लोगों के मन में भी एक बहुत अच्छा एक उड़ान भी भर दिए, सो दैट वी कैन गो टू द हायर हायर टू हायर, ऐसे जाने की ख्वाहिश है। देखते हैं क्या होता है। हाँ, तो ये जो केस है ना, ये 33 ईयर्स एक मेल है, तो जो कि फिलन ज्वेलरी में काम करते हैं, ठीक है। तो उनके ना दोनों हाथों में क्या हुआ था, सीवियर इचिंग हो रहा था, ठीक है। उसमें बहुत ज्यादा ओजिंग भी हो रहा था, तो वो बोल रहे थे कि सिंस 4 ईयर ही हैज अ कंप्लेन ऑफ दैट, सिर्फ वो ना दैट इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू पाम, बोथ हैंड का पाम भी इफेक्ट हुआ था, वो बहुत ज्यादा पेन कंडीशन था। तो मैं पूछती कि डॉक्टर और क्या काम रहता है, तो वो बोल रहे कि ऐसे शॉप में तो कल्याण ज्वेलरी में है, तो मैं फॉलोअप में भी डाली थी। पहले उनका जैसे केस कैसे था, वो गुजरात में कंपनी में काम करते थे, वहाँ पे भी कुछ ऐसे थोड़ा कुछ केमिकल वगैरह एक्सपोजर रहता था, ठीक है। तो अभी वो 2 ईयर से इधर आ गए, मतलब वो गुजरात में काम करते थे, अभी इधर ओडिशा आ गए, वहाँ पे कल्याण ज्वेलरी का एक ब्रांच में होने करके ब्रांच में काम कर रहे। तो वो क्या बता रहे थे कि उनके वहाँ पे क्या हो रहता था कि ये तो शॉप में रहते थे, और उन लोगों का क्या है कि जैसे कि जो गोल्ड रिलेटेड थोड़ा ये वर्कशॉप में भी कुछ काम रहता था, जिसमें उनका थोड़ा केमिकल का एक्सपोजर रहता है। वो बताया कि कोई भी आते हैं, क्लाइंट आते हैं कि तो बड़े बड़े ज्वेलरी का थोड़ा वो उनको लेके ना वर्कशॉप को जा
वहां पे थोड़ा ऐसे वाला काम भी उनको रहता है, तो ये वाला उनका था। तो वो क्या बोले कि वो बंदा बहुत जगह से ट्रीटमेंट भी करवाया, वहाँ फॉलोअप वो वीडियो में था कि एलोपैथिक होम्योपैथिक और काफी जगह से बहुत सारे ट्रीटमेंट किए थे, और वो एक ना डर्मट के पास भी दिखा के आए थे जो उनको कॉम्फोलिक और ये बोल के एक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस ऐसे उनको डायग्नोज हुआ था। तो ये मैं पूछी और क्या दिक्कत है, तो वो बोले कि मेरा हाथ थोड़ा गंदा दिखता है, मतलब ऐसे मुझे सभी लगा कि ऐसे ही वो टॉप में हैंड जो है कि जो मतलब हमेशा एक्सपोज रहता है, दैट इज मोस्ट अनकवर्ड पार्ट है ना, तो वो गंदा दिखता है बोल के उनको ऐसे लगा, क्योंकि तो जैसे कि शॉप में रहते हैं तो उनको सब दिखाना भी पड़ेगा, तो ज्वेलरी वगैरह निकाल के उनको ऐसे दिखाना पड़ता है, तो हैंड रिलेटेड है तो उनको ऐसे वो बोले कि मुझे ऐसे दिक्कत है, अच्छा नहीं दिखता, ठीक है, और इतना पेनफुल भी था, तो उनको ना वहाँ रहने के लिए उन लोगों को एक जगह मिला है, जैसे नेस्ट जैसे वो लोग रहते हैं, तो उन लोगों का खाना वगैरह तो कोई तो बना के देते हैं वहाँ की कोई, और लेकिन उन लोगों का खुद का जैसे कि खुद का जो बर्तन वगैरह ना उनको खुद साफ करना पड़ता है, और दूसरी चीज उनका मतलब जैसे कपड़ा वगैरह खुद का जैसे कपड़ा वगैरह उनको खुद धोना पड़ता है, ठीक है, तो वो बोले कि ऐसे डिटर्जेंट हुआ नहीं तो थोड़ा भी ऐसे डिस बार हुआ ऐसे कुछ भी मैं यूज नहीं कर सकता हूँ, ऐसे वो बोले कि उनका हाथ जैसे कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया था। ओके, तो जैसे कि मैं पूछी थी कैसे बैकग्राउंड ऑफ द पेशेंट पूछी, तो वो बताई कि मेरा शादी जो हुआ था 3 साल पहले हो गया था, तो उनकी जो वाइफ थी ना वो शादी के 3 महीने बाद एक ना केस दर्ज की थी उनके फैमिली के खिलाफ, मतलब मुझे टॉर्चर किया जा रहा है ना, तो वो घर छोड़ के चली गई, तो लेकिन उसमें क्या है, तो मैं पूछी क्यों चली गई, तो वो बोला कि मैं बोले क्यों आपने उसको रोके नहीं क्या, तो वो क्या बोला कि वो तो खुद गई और हम लोग तो वैसे कुछ भी नहीं किए थे, फिर भी वो हम लोगों के ऊपर एक कंप्लेन करवाई, ठीक है, तो लेकिन ये बंदा क्या किया कि एक साइन करके रखा और जिसमें लिखा था कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के उसके मायके जा रही, तो मैं बोली कि वो वाइफ अच्छी नहीं थी, तो वो बता क्या है कि नहीं मेरी वाइफ भी अच्छी थी, तो अभी भी स्टिल मैं उसको ऐसे ही बताया कि स्टिल मैं उसके साथ मतलब मुझे वो पता नहीं वो क्यों चली गई, वो बहुत एक उदास मन से ऐसे बताया कि वो क्यों चली गई, लेकिन मैं तो हम लोग तो वैसे कुछ भी उसको नहीं किए थे, तो मैं बोली कि और कितना ही इफेक्ट हुआ तो अपने वाइफ के इंसिडेंट से, तो वो बताया कि काफी इफेक्ट हुआ और वैसे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ऐसे कंप्लेंट से गांव में हमारी बदनाम हुई, ये सब खराब लग रहा था, और क्या खराब लग रहा, तो मेरा मतलब हमारे गांव में मेरा थोड़ा हमारे फैमिली का थोड़ा अच्छा नाम है, हम लोग ना ऐसे कुछ भी नहीं किए फिर भी ऐसे कैसे कंप्लेंट दर्ज की और उसके बाद वो चली भी गई ना, इसमें थोड़ी अच्छा अच्छा लगता है, मतलब वो हम लोगों को बदनाम जैसे हो गया, हम लोग ऐसे कुछ भी नहीं किए लेकिन हम लोगों का नाम खराब हो गया, तो मैं पूछती तो ठीक है तो अभी बताओ कि कितना पढ़ाई वगैरह क्या कहाँ तक किए हो, तो वो क्या बताया कि 10th स्टैंडर्ड तक मैं पढ़ा हूँ, पढ़ने के लिए मेरा मन था लेकिन कर नहीं पाया क्योंकि उसके फादर भी इतना कुछ काम नहीं करते थे, लेकिन उसको ना 10th के बाद उसको जॉब करना पड़ा, तो वो पहले ना गुजरात वगैरह जाके वहाँ पे जॉब वगैरह कर रहा था, अभी इधर आके कल्याण ज्वेलरी में है, वहाँ शॉप में रह रहा है, तो अभी गांव का उनका जो घर था ना वो बहुत थोड़ा उतना अच्छा नहीं था, इसके फादर है लेकिन उतना कुछ नहीं करते हैं, मतलब है लेकिन नहीं है वैसे वाला, मतलब घर उनको कुछ वो रेस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह नहीं देते हैं ऐसे वाला, तो घर को अच्छे से बनाया, सोचा कि शादी के बाद सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसकी वाइफ चली गई, तो मैं ऐसे ही पूछी कि आपका कोई पहले शादी से पहले किसी के साथ ऐसे मतलब ऐसे कुछ था, नहीं तो किसी को लव वगैरह करते थे, तो बोला कि नहीं मैं वैसे कुछ नहीं करता था, मैं एक अच्छा बच्चा था, ऐसे में कभी किसी को उसकी नजर से मैं नहीं देखता हूँ, और मैं मतलब मैं ऐसे मैं भी ऐसे कुछ मैं पूछी की कुछ लव डिसअपॉइंटमेंट पहले भी हो चुका था, वो बताया नहीं वैसे किसी भी नहीं था, ठीक है,
लेके गई है और कुछ हुआ नहीं था घर में भी, लेकिन वो कंप्लेन की क्योंकि वो ठीक थी, वो अच्छी थी, लेकिन उसकी माँ ना उतनी अच्छी नहीं थी, वो उसके उसको कुछ कान में से भरी थी, तो उसकी वजह से वो उसके इसमें सांस में आके वो चली गई है, ऐसे वो बता कि उसको लग रहा है कि वो वाइफ ठीक सही है, लेकिन उसकी माँ उसकी मदर ना उसको फोर्स करके ले गई है, ऐसे उसके बताना था। तो मैं पूछी तो फिर से शादी का क्या सोचा है, तो वो क्या बताया, नहीं और क्या, एक बार तो ऐसे हुआ है ना, अभी और मुझे शादी नहीं करना है। और ऐसे भी बताया, जैसे वीडियोस में भी मैं देखता हूँ ऐसे वाला इंसिडेंट बहुत केसेस होता है, ऐसे भी बताया। मैं बोली और बताओ अपने बीमारी के बारे में, तो वो क्या बताया, हमारी दादी एक्सपायर हो गई थी, उनमें उनसे मैं बहुत ज्यादा अटैच भी थी, दादी दादी माँ से, मतलब किसी का, और ये ऐसे बताया कि मैं किसी का दुख दर्द देख नहीं सकता हूँ, सबको हेल्प करता हूँ। तो अभी मैं पूछी और क्या चिंता रहता है, तो वो बोला कि मेरी स्किन प्रॉब्लम है ना, मतलब वो बहुत 4 इयर्स तो है, लेकिन एवरीडे बाहर जैसे रहता है कि हमेशा ये बहुत सारी दवाई खाता है, लेकिन उसका कुछ इफेक्ट उतना नहीं आता है, और बार बार उसका जॉब भी ऐसा है ना, सभी को थोड़ा ज्वेलरी दिखाना भी पड़ता है ना, तो वो एक थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है कि जैसे कि अनकवर्ड पार्ट है, हाथ है ना, तो उसको लग रहा है कि जल्दी से ठीक हो जाए। मैं बोली और कुछ बताओ, तो वो बोला कि नहीं मैं ज्यादा किसी को कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं ऐसे ही सबके साथ अच्छे से रहता हूँ। इतना था केस रिलेटेड, अभी पहले रेमेडी फ्लोर में नहीं आया था, अभी रेमेडी फ्लोर पे भी आ गया है। अभी कोई बताएंगे अपना एनालिसिस देंगे, और किसी इस केस रिलेटेड कुछ क्वेरी रहेगा तो मुझे पूछिए, सो दैट आई कैन, मैं इतना केस ली थी उसके बाद मैं दे दी थी दवाई, मेडिसिन दी थी, तो बाद में मैं फॉलोअप भी डाली हूँ, उसको अच्छा था, वो मेंटली भी बहुत, मतलब पहले स्ट्रेस जैसे था ना, वो सब भी बहुत अच्छा फील कर रहा था मैं, और अपना काम भी अच्छे से कर पा रहा था, यही केस था। तो सब लोगों का बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, तो सभी बहुत अच्छे से एक्टिव पार्टिसिपेशन किए हैं, और सभी अच्छा अच्छा एनालिसिस भी डाले हैं, तो कोई बोलना चाहेंगे, प्लीज गिव योर वैल्यूएबल इनपुट सो दैट कि हम लोग देश को आगे बढ़ सकते। दीपिका बी, दीदी मैं बाहर हूँ, चलो मैं बोलती हूँ। नमस्ते, आपको बहुत अच्छा केस है। यहाँ से हमें जो फील आ रहा है, जैसे उस वो इंसान, सबसे पहले उसको फील बहुत एम्बेरस लग रहा था कि मेरे को, क्योंकि उसका ज्वेलरी का बिजनेस है और हाथों में प्रॉब्लम है, तो सबके सामने करेगा तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो उसने कहा, देखने में मुझे बहुत बुरा लगता है। तो सबसे पहला मुझे ये एम्बेरेस फीलिंग में लगा कि उसको, क्योंकि उसका बिजनेस ही इसी टाइप का है जहाँ पर सब, और स्पेशली हाथों में, और हाथों से ही सब कुछ करना है, तो उसका सबसे मेन कंसर्न शुरू में यही था। तो उसके बाद जब आपने एलिमेंट्स पूछने जब शुरू किए, तो पता चला कि उसकी वाइफ की उसका वाइफ छोड़कर चली गई है। और वाइफ छोड़ने के बाद इसका हमें क्या रिएक्शन दिखा, जैसे वाइफ कि जाने से पहले ही आपने रीजन पूछा कि वाइफ चली गई, उसका क्या इफेक्ट हुआ, कहाँ से मतलब ये प्रॉब्लम शुरू हुई? तो उसने कहा कि वो चली तो गई, उससे पहले ही ना मैंने कोई बात ऐसी हुई नहीं थी, पता नहीं क्यों वो चली गई, वो बदनामी कर रही थी हमें। तो उसने कहा कि पहले से ही उसने सबसे पहले लिखवा लिया। तो ये मेरे को बहुत बंदा कॉशियस लगा कि आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये बंदा कॉशियस लगा। और ये चीज थी कि उसको लगा कि बाहर वाले लोग क्या बोलेंगे, उसकी बदनामी होगी। तो तीसरी चीज, मुझे बहुत ज्यादा फियर सोशल पोजीशन बहुत ज्यादा लगा। बट ये चीज मेरे को बहुत अखरी कि वो इंसान को, जैसे एक बीबी चली जाती है, जिस तरह का रिएक्शन जैसे होना चाहिए कि हाँ मेरी बीबी चली गई तो मैं कैसे रहूंगा, कैसे चलेगा, मेरे को बहुत फील हो रहा है, ऐसा मुझे कोई रिएक्शन दिखा नहीं। बल्कि उसने कहा कि जो हमारी इज्जत थी सोसाइटी में, वो इज्जत खराब हो गई। तो दैट मीन्स ये एक इज्जत वाला बंदा है, जो इसने एक इज्जत बना रखी है, एक ऑनरेबल पर्सनैलिटी है, जो वो फील करता है कि
उसकी इज्जत खराब हो गई। उसके बाद उसको लगा, उसके बाद उस, और मुझे ये बहुत ज्यादा हाँ कॉशियस भी लगा, और बुरा उसने बहुत बुरा सोच अपनी जॉब को ना नहीं बहुत, आता। जैसे मेरे को एक इमोशंस प्रिडोमिनेंट बाय इंटेलेक्ट भी लगा उसमें, क्योंकि उसने अपने इमोशंस को बहुत सप्रेस किया। कभी से लो मैं एलिमेंट्स अंदर आए उसकी इंडिग्नेशन ऑफ अदर्स से, और उसने एंगर भी सप्रेस किया, लेकिन उसका जो रिएक्शन था वो मुझे कुछ अभी तक प्रॉपर क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि उसने कहा था कि सोशल पोजीशन का ही उसने कंसर्न बोला, और तो कुछ उसने कंसर्न बोला नहीं। और इसके अलावा ये जब सारी चीजें, जैसे अब क्लब करी कि उसको अच्छा नहीं लग रहा था, एम्बेरेस फीलिंग थी, फियर सोशल पोजीशन था, और क्या चीज थी, तो इन सब चीजों को लेकर तो मेरा पहले देखो बहुत वो आ रहा था। हाँ, बिट्रे फीलिंग भी उसको बहुत ही, वो कहता था कि मैं यूट्यूब से ना पढ़ता हूँ, मेरे को दोबारा शादी नहीं करनी है, अगर दोबारा शादी करूंगा कहीं ये दोबारा ऐसी चीजें ना हो जाए। उसको बहुत डर था उस चीज का कि मुझे अब शादी करनी ही नहीं है। तो एक एक्सपीरियंस उसका बैड हो गया था, तो वो दोबारा से उस एक्सपीरियंस को ना दोहराना नहीं चाहता था, तो वो उस चीज का उसको एक ये भी डर था, और एक उसपे डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड भी देखा। उसको लगा था कि केमिकल्स की वजह से, वही फैक्ट्री की केमिकल्स की वजह से ही मैं इफेक्ट हुआ, वहां मैं काम करता था ना, मैं वहीं से इफेक्ट हुआ, तो ये भी फीलिंग लगी। तो ये सब मिलाकर तो देखो, हायोसाइमस भी आ रही थी मेरी, लाइको भी आ रही थी, बट प्रॉपर मैं मेडिसिन तक अभी नहीं पहुंच पाई हूँ, क्योंकि यही फीलिंग सब क्लब कर कर, क्योंकि आपने मना ही किया था ये सब रेमेडीज नहीं है। बाकी स्टेफी भी लग रही थी, क्योंकि उसका कोई रिएक्शन नहीं था, एम्बेरेस था, फियर सोशल पोजीशन बहुत ज्यादा मार्क थी, इमोशंस प्रिडोमिनेंट बाय इंटेलेक्ट लगा, पहले से लिखवा दिए, तो मुझे थोड़ा हिपोक्रेसी भी नजर आ रही थी इसमें, तो मुझे तभी थोड़ा लाइको का, हायोस का, ये सब ट्रेट मुझे सूझ रहे थे। तो बाकी तो दी आप बताओगे। बहुत अच्छा दी, बहुत अच्छे से नरेट किए, स्टार्ट बहुत अच्छा, गुड स्टार्ट हो गया, बहुत अच्छा, थैंक यू दी। और कोई बताएंगे? मैडम नमस्ते। नमस्ते सर, जी नमस्ते जी मैं सर। जी मैं मैडम मैंने इसमें तो एलिमेंट फ्रॉम एम्बरसमेंट तो है ही है, वो तो दिख ही रहा है सबसे पहले। इसके बाद में इसने अपने नेचर के बारे में बताया तो मुझे बेनेवोलेंट लगा, काफी सिंपैथेटिक भी लगा, और कॉशस तो दिख ही रहा था क्योंकि उसने साइन करवा लिया था अपने वाइफ से। बाकी मुझे थोड़ा सा डिलीजन रॉन्ग सफर्ड लग रहा था, और सेंसिटिव क्रिटिसिज्म टू, ये दो चीजें मुझे और लग रही थी। साथ में इम्प्रेशनेबल, क्योंकि उसने कहा मैंने देखा उसमें इस तरीके के केसेस काफी होते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगा वो ये भी लगा कि ये कोआर्डिस्ट था बंदा, ये अपनी बीबी से भी कुछ नहीं कह पा रहा था, हालांकि वो चली गई लेकिन फिर भी, और बाद में भी ये कुछ नहीं कह पा रहा है, तो मुझे तो कोआर्डिस्ट लग रहा था ये। तो ये सब क्लब करके मेरा तो बेरेटा कार बाह रहा था, और साथ में डीडी कार्सिनोसिन। जी सर, बहुत अच्छा, थैंक यू सर, बहुत अच्छा है ना आपने। बहुत सारे डॉक्टर्स का नेटर लिया आया है, सल्फर भी आया है, नेगेटिव आया है, क्या आया है, तो हम लोग एक और कोई बताना चाहेंगे, रिपोर्ट दीजिए। नमस्ते मीरा दी। नमस्ते डॉक्टर, बहुत अच्छा केस है दी, और वेलकम आपका। और जी दी, ये केस में है ना, यहाँ पे इन्होंने बताया कि इनकी वाइफ छोड़ के गई है ना, क्यों गई है कुछ पता नहीं है, ऐसे बोलता है, कुछ ऐसे हुआ भी नहीं था, मतलब कहीं ना कहीं कि गलत हो गया, मुझे भी रॉन्ग सफर्ड का फील आया इसमें। और ये जाने की वजह से उसको क्या हुआ है, उनकी बदनामी हो गई गांव में, है ना, तो ये ऑनर उंडेड लगा कि इसको पढ़ना था लेकिन पढ़ नहीं सका, मतलब कहीं ना कहीं इसका एम्बिशन भी था, है ना, और ये सबके बारे में सोचता भी है, इसके नानी से अटैच था, और कहीं ना कहीं ये सिंपैथेटिक है, बेनेवलेंट है, सबको मदद करने वाला बंदा लग रहा है। ओके, मतलब मुझे पहले तो पढ़ के ऐसे लग रहा था कि स्टाफ है क्या, ऐसे लग रहा था, बट अभी बाद में जैसे लग रहा है कि मुझे कार्सिनोसिन का फील आ रहा है, मतलब बिनेवोलेंट है, सिंपैथेटिक है, सबके बारे में सोचने वाला ऐसे लग रहा है मुझे, तो आई थिंक आई विल गो विद कार्सिनोसिन दी।
माइल्ड लग रहा है, बहुत ऐसे झगड़ा करने वाला, या अभी बीवी चली गई तो वो उसके घर पे भी जा सकता था ना झगड़ने के लिए, कि मतलब ऐसे क्यों क्या हुआ, पूछ तो सकता है, नहीं गया नहीं, कहीं ना कहीं डरपोक बंदा है, और क्या रीजन क्या है ये भी नहीं पता है, फिर भी वो चुप बैठा है, ये बहुत ही मतलब कभी कभी ये लाइन पे सोचना है कि वो चली गई लेकिन एक कुछ रिवॉल्ट ऐसे कुछ भी नहीं किया अभी। और अगर ये उल्टा रहता है ना तो भी समझ सकते कि मतलब समझो ये वाइफ है और हस्बैंड छोड़ के गए तो ये चुप बैठी, तो भी समझ सकते हैं ही इज बीइंग हस्बैंड, ये जाके पूछ क्यों नहीं रहा है, मतलब क्या हुआ है, क्यों गई है, ये दिस इज वेरी, क्या समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम, बहुत मतलब अच्छे से ये अलग डरपोक है या और इसकी एक कुछ गलती है, इसने कुछ किया है। हाँ दूसरी चीज है वो कि अभी शादी के लिए भी इंकार किया, मतलब इन फ्यूचर ही इज नॉट, मतलब हाँ अभी वो माइंड कि वो सेट कर दूसरों दिया का मेरे सुन पास के, नहीं। हाँ कि ये ऐसे ही होगा। हाँ और क्यों मतलब कुछ पूछा नहीं, कुछ ये नहीं दिया है ना उसको कुछ तो ये, लेकिन जैसे कि उसको जैसे बोलते हैं ना कि 3 मंथ ही हुआ था, ऐसे कुछ किड भी नहीं था, मैं थोड़ा और थोड़ा क्लियर कर देती हूँ, लेकिन उसके लिए उनको ऐसे कुछ देना नहीं पड़ा, मतलब ओनली वो कंप्लेंट दर्ज थी ना, तो उसके बाद वो जो जो लेके आई थी ना वो सब लेके चली गई, और ये बंदा ना फिर क्या किया कि वो अपना ये करके चला गया, मतलब एक साइन करके रखा, तो बाद में उसको लगा कि अरे मतलब बाद में वो कुछ बोल सकती है, मतलब अभी ऐसे इसकी वजह से वो क्या किया कि एक साइन करके रख दिया, और बाद में इसका क्या है कि मैं फिर से शादी नहीं करूंगा ऐसे वाला तो ये टाइम में थोड़ा सोचे हो गया रे जी बच्चों जी आज आ रही है तो बहुत अच्छे थैंक यू जी, से थैंक यू, बहुत अच्छा कैसे। महावीर हाले करते संजीवनी मैम। देवाशीष सर पूनम जी बताएंगे। नमस्ते पूनम जी। नमिता मैम बताएंगे। नमिता दी वंदना दी हेलो मैम। रुचिका मैम योगिता मैम रितु दी नेहा मैम प्रियंका मैम सुविधा हेलो मैम। दीदी, हाँ जी दी जैसे पेशेंट ने स्टार्टिंग में बोला कि ये सब कुछ से उसको ना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, अपने काम करने में भी बड़ा प्रॉब्लमेटिक वो फील कर रहा है, तो इसके लिए मैंने बिजनेस इनकैपेसिटी लिया था। फिर उसने बोला कि ये अच्छा नहीं दिखता है, तो जैसे और उसको प्रॉब्लम भी हो रहा है, तो उसके लिए मैंने ना एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बेरसमेंट लिया था। और फिर जैसे उसको वाइफ छोड़कर गई तो उसके बाद में बदनामी हुई, तो एलिमेंट्स फ्रॉम ओनर वुंडेड। फिर इसने साइन भी करके लिया ताकि ये कॉशियस हो जाए कि आगे इस तरह से कोई प्रॉब्लम में ये ना पड़े, और ये फैमिली की भी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। और जैसे इसने बोला कि दोबारा शादी नहीं करनी, तो इसका मतलब ये काफी डिस्करेज हो गया है, ये डिसअपॉइंटमेंट में चला गया, क्योंकि या तो रिजेक्टेड फीलिंग आया उसको या बिट्रेड का फीलिंग आया, तो उससे काफी ये हर्ट हो गया, तो उसके बाद ये डिस्करेज हो गया कि अब शादी नहीं करनी है। ग्रैंड मदर से काफी अटैच है, सिंपथेटिक है, रिजर्व है और बेनेवोलेंट है, तो उसको लेकर मेरे माइंड में दी नेट्रम्य और डीडी ऑरम मैट आया था। थैंक यू जी। बहुत अच्छा है थैंक यू। और कोई बताना चाहेंगे। हाँ मैम प्रणाम। नमस्ते सर बोले। हाँ
प्रणाम सर। इस केस में सर उसकी पत्नी उसे छोड़ के चली जाती है, तो उसके पीछे का कॉन्फ्लिक्ट सर आपको बताया था वो कि क्यों छोड़ के चली गई? अगर थोड़ा सा होता तो और दवा स्पष्ट समझ में आती है। वही चीज है कि वो क्या बता रहा है कि वो 3 महीने के बाद वो चली गई। इसके हिसाब से ये लोग कुछ टॉर्चर नहीं किए थे, मतलब फ्रॉम हस्बैंड साइड नहीं तो इन लॉज की साइड कुछ ऐसे कुछ भी नहीं हुआ था। 3 महीने के बाद वो अपने अपना एक कंप्लेन दर्ज की है जाके पुलिस स्टेशन में, और उसके बाद ये वो क्या किया कि उसके बाद 3 महीने के बाद अपना जैसे कि जितना भी ये सामान था ना सब लेके चली गई। तो जाने के टाइम ये क्या बोल रहा है कि इसकी वाइफ भी अच्छी है, ऐसे कुछ भी नहीं है। और अगर मैं इसके साइड से भी बता दे रही हूँ कि ये भी बंदा अच्छा है, मतलब इसमें कुछ कमी नहीं है, मतलब ये इसमें कुछ कमी है सो दैट कि आफ्टर 3 मंथ ऑफ मैरिज वो चला गया, ऐसे भी नहीं है। ये भी अच्छा जी है वो भी अच्छा है, लेकिन मम्मी जो है ना उसकी जो मदर इन लॉ कुछ तो बताई, और उसको लग रहा था कि उसको कुछ कान भरा कि वो लेके चले गए अपनी बेटी को, उसको लग रहा था कि बेटी घर पे ही रहे, ऐसे कुछ हुआ था। लेकिन ये भी अच्छा जी था कि वाइफ भी अच्छी थी, और इन लोगों की तरफ से ऐसे कुछ टॉर्चर नहीं हुआ था, लेकिन ये सफर कर रहे थे यही वाला। जी जी तो सर ये अगर इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट है और इतना कॉन्फ्लिक्ट झेल रहा है, कह रहा है मैं किसी से कहता नहीं हूँ कुछ, और इन सारी चीजों को अगर वो किया जाए, जैसे वो शादी भी कह रहा है कि मैं दोबारा शादी नहीं करूंगा, मतलब नहीं करनी है शादी, तो इन सारी चीजों को, और ऑनरेबल है मतलब अंदर की चीजें अपने पास ही रखता है, इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो सर ये इग्नेशिया की फील आ रही है, इग्नेशिया लग रही है सर, थोड़ा इग्नेशिया की तरफ जा रहा है माइंड, क्योंकि ये जो है अपने को जो भी है बहुत करीने से मतलब संभालने की कोशिश कर रहा है, और ज्यादा एक्सप्लोर किसी के सामने नहीं करना चाह रहा है, ये दिख रहा है सर, तो इग्नेशिया की तरफ जा रहा है। थैंक यू। बहुत अच्छा है। और कोई डॉक्टर बताना चाहेंगे? नमस्ते दी। नमस्ते। मैम, ये जो पेशेंट है ना, ये जहाँ पे काम करता है उसको डेली केमिकल एक्सपोजर में रहना पड़ता है, तो डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड लिया, और उसको एम्बेरसमेंट फीलिंग तो है ही, क्योंकि हाथ गंदा दिखता, और वो अपनी वाइफ के चलते भी उसको एम्बेरसमेंट फीलिंग में आया वो पेशेंट, और अपना काम नहीं कर पाता तो बिजनेस इनकैपेसिटी लिया। और इसका जो वाइफ छोड़ के गई ना, मुझे डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग आई कि बहुत डिसअपॉइंटमेंट उसको आया इस बात से, और वीडियोस देखता है तो उसको हॉरिबल थिंग्स सैड स्टोरीज अफेक्टेड प्रोफाउंडली, और दादी से बहुत अटैच था तो, और उनके वो एक्सपायर हो गई तो एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस, और सिंपैथेटिक है, बेनेवोलेंस है, तो सारा मिला के नेटर म्यूट आ रहा है, लेकिन आपने मना किया इसके लिए। मेरा नेटर म्यूट आया था दी। हाँ डॉक्टर जी, एक बात सोचिए कि अगर नेटर होता तो नेटर में जी आगे कभी मतलब लाइफ लॉन्ग थेरेपी ना करनी, क्योंकि अभी उसका कितना एज कम है ना, 33 ईयर से, मतलब आगे जी तक वो शादी नहीं करेगा, ऐसे करेगा कभी नेटर हाँ, क्योंकि उसको कोई ना कोई तो लव रिलेशनशिप चाहिए होती है ना नेटर में उसको। वो में। आप बताइएगा दी। थैंक यू दी। और कोई डॉक्टर बोलना चाहेंगे? गुड इवनिंग मैम। मैम, मुझे इसका मतलब ये पेशेंट ऐसा लग रहा था कि इसने इतना सफर किया है, एंड इसकी वाइफ जो है जिसको छोड़ के गई है तो भी वो अपनी वाइफ को अच्छा बोल रहा है, नहीं तो कोई अगर वाइफ छोड़ जाती है तो कोई कंप्लेन करता है कि ऐसे छोड़ के गई है, बट ही इज नॉट लाइक उसके अगेंस्ट नहीं कर रहा है, वो कह रहा है वो अच्छी है, तो वो कुछ कंप्लेन्स नहीं कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि ये कार्सिनोसिन जैसा मतलब फील आ रहा है कि वो बहुत ही बिलो विलेज एकदम ही काइंड बंदा है, अच्छा बंदा है, तो सब उसको सब अच्छा ही दिख रहा है, ऐसा कुछ वो कंप्लेन नहीं कर रहा है, तो मुझे ये कार्सिनोसिन जैसा लगा मैम। बहुत अच्छा मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा एनालिसिस किया आपने, थैंक यू।
और कोई डॉक्टर बोलना चाहेंगे? डॉक्टर गीता आप बोलना चाहेंगे? नमस्ते सर। नमस्ते सर, बोलिए। हाँ नमस्ते। हाँ जी सर नमस्ते। इसमें हमने जो है फियर मतलब एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन, उसकी दादी को बहुत प्यार करता था और अटैच काफी था, और उनकी डेथ के बाद उसे मतलब फील कर रहा है, तो एलिमेंट फ्रॉम एम्ब्रेसमेंट लिया क्योंकि उसकी वाइफ छोड़ करके गई है उसके, और एलिमेंट फ्रॉम मॉडिफिकेशन भी है, वैसे बेनेवोलेंस भी है, बिजनेस इनकैपेसिटी है, ऐसे दिखा रहा है कि उसके हाथों से वो ठीक से नहीं हो पा रहा काम जो है। तो ये फील वाइज तो कार्सिनोसिन है, पर नाइट्रम में और इसमें चार्ट में मेरे आया। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत अच्छा एनालिसिस दिया आपने। थैंक यू सर। और कोई डॉक्टर बोलना चाहेंगे इस केस रिलेटेड? हेलो दी। नमस्ते। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है। हाँ जी, पहले तो नेट्रम म्यूर बोला था तो आपने इसको मना किया है, तो दूसरी बार सोचने से देखे तो ये बंदा जो बोल रही है कि जहाँ पर ये ज्वेलरी शॉप में काम करता है वहां पर केमिकल का एक्सपोजर होता है और उसकी वजह से ये हो रहा है, तो डिल्यूजन इंजुरी बीइंग इंज्योर्ड बाय हिज सराउंडिंग, और शादी के 3 महीना बाद उसकी वाइफ चली गई और ससुराल वालों ने इनको टॉर्चर कर रहे हैं, तो डिल्यूजन रंग सफर, और इसकी वजह से इसको बदनामी हुई, मतलब इसका इंजुरी डिल्यूजन इंजुरी बीइंग इंज्योर्ड एट द हेड, और ये बंदा बेनेवोलेंट है, क्वाडाइज भी है, और दूसरी बार ये शादी करना नहीं चाहता है, ये सब को लेकर के नाजा का फील आ रही है। बहुत अच्छा दी। थैंक यू दी। आगे आप बताएंगे। थैंक यू, बहुत अच्छा एनालिसिस किया आपने। और कोई डॉक्टर बोलना चाहेंगे? हेलो मीरा दी। हाँ जी जी बोलिए, डॉक्टर गीता बोलिए। हाँ, पहले मुझे भी ये नेट्रम्यूर लगा था और एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बेरसमेंट है और ऑनर ऊंड हुआ है, वो वाइफ जब चले गए तो वहाँ पे गांव पे सब बातें करने लगे, तो उसमें से बदनामी का जैसा फील आया, एलिमेंट्स फ्रॉम ऑनर ऊंड, और कॉशियस भी लगा ये पेशेंट, और अभी दूसरा शादी करना नहीं चाह रहा है, तो फियर ऑफ बिट्रेड ऑफ बीइंग वो फील आया, और वो यूट्यूब में देख के सभी का ऐसा हो रहा है तो दूसरे शादी करने से भी शायद ऐसा ही होगा, ये फीलिंग है, इसीलिए इम्प्रेशनेबल लगा, और बहुत सिंपथेटिक भी है ये पेशेंट, तो इग्नेशिया का फील आया। थैंक यू। और कोई डॉक्टर बताना चाहेंगे? मैं डिस्क्लोज कर दूं क्या? और कोई बताना चाहेंगे? और कोई जी कर दो ना डिस्क्लोज। तो ग्रुप में भी आ गया है ना, ये रेमेडी ऑन फ्लोट हो गया, तो पहले ये कंग्रेचुलेशन तो गिरीश सर जो पहले बोले इट इज नॉट अदर देन कार्सिनोसिन, और बाद में संजीवनी मैम भी बोले थे, बाद में डॉक्टर गीता भी बोली थी। हाँ, तो बहुत सारे अभी डॉक्टर मेगा बहुत सारे डॉक्टर भी कार्सिनोसिन की तरफ गए थे, सर भी बोले थे। थैंक यू, कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑल टू स्टेट कार्सिनोसिन ये पार्टी है। थोड़ा
इसके बारे में थोड़ा मतलब मैं क्या कैसे सोचती हूँ इसके बारे में थोड़ा मैं बोलना चाहूंगी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहले इसका हैंड में हुआ था है। हाँ जी सर, हाँ जी सर, कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको बेबी ने अप्रत्य जी जी थैंक यू मैम, थैंक यू सर। तो मैं थोड़ा इसको बताना चाहूंगी जैसे कि मतलब अभी ये अगर नेटवर्क में बहुत सारे बताए, मैं डेडी का रेमेडी बाद में बताऊंगी लेकिन कैसे इसका एंट्री मैं थोड़ा बताना चाहूंगी। ठीक है, अगर हम लोग अगर देखेंगे कि ना बहुत रेस्ट्रिक्ट था ना ये जो कॉम्पोनेंट था कॉन्टेक्ट डर्माटाइटिस का, मतलब वो सिर्फ वो क्या है कि हैंड को यूज कर रहा है ना, दैट इज। तो हैंड अगर हम लोग अगर देखेंगे अगर इसको अगर हम लोग थोड़ा बेटर फिजिकल से अगर देखेंगे, हैंड क्या करता है, हैंड ना एक ऐसा चीज है कि जो जिसके लिए हम लोग होल्ड करते हैं, कोई चीज अगर होल्ड करने के लिए यूज करते हैं, कोई चीज हैंडल करने के लिए भी यूज करते हैं हम लोग, इसमें कुछ ग्रास भी करते हैं मतलब हाथ में हम लोग पकड़ते हैं। अगर देखिए कि हम लोग अगर किसी को पिंच करते हैं तभी भी वी आर यूजिंग अवर हैंड, मतलब अभी हम लोग अपना थंब यूज किए और इंडेक्स फिंगर यूज करके किसी को पंच भी करते हैं ना, पिंचिंग जैसे करते हैं, या कैरेसिंग के लिए भी हम लोगों का यूज होता है ना। तो ये क्या है कि मतलब वो कैसे हैंड कैसे हम लोगों को ये सब चीज के लिए करता है, लेकिन अभी वो जो बंदा जिसका क्या हुआ था एक स्टिचिंग हो गया था है ना, वहां से वो इसी भी होता था, ऊजिंग भी होता था, स्टिचिंग फ्लूइड भी आता था राइट। तो इससे मतलब क्या है कि स्टिचिंग अगर हम लोग देखेंगे स्किन में स्किन का, देखो कि आप स्किन जो है कि बाहर है, स्किन क्या है कि बाहर सभी को एक मिरर जैसा है, इसके बहुत सारे लेयर्स भी है जैसे एक्टोडर्म हुआ, जैसे स्किन के बाहर यदि लेयर ये रहता है तो स्किन में इचिंग हुआ, मतलब पहले स्किन जो रहता है एक बैरियर है ना, तो उसमें कुछ इचिंग जब हुआ, स्क्रैच जब हुआ, वो बैरियर में कुछ एक क्या है ना कि एक ये हुआ, ब्रोकन हुआ है ना, पहले ब्रोकन हुआ। तो इसमें क्या होगा मतलब दैट इज इचिंग, मतलब डिजाइड तो हो ग्रेट ऐसे बताया गया है। तो वो उसमें क्या है कि एक अनसेटिस्फाइड रिमोट रहता है ना, अगर स्किन में इचिंग भी हुआ लेकिन स्क्रैच जब भी होता है ना तो वो कहता है कि इचिंग जब भी हुआ तो उसको क्या लगता है उसको अच्छा दिखता नहीं, मतलब ये कॉमन है, मतलब अभी एक स्किन सिम्टम है राइट। तो अभी इसका देखो कि इसका काम भी रहता है कि हाथ को एक्सपोज होना ये है और उसको दिखाना है, जैसे क्लाइंट चाहते हैं ऐसे कल्याण ज्वेलरी जस्ट स्कीमर जिनकी ऐसे उनको दिखाना है, तो तभी राइट हैंड लेफ्ट हैंड को सर इफेक्टेड, मतलब अभी ये इसको खराब लगना मतलब दैट इज नॉट ऐसे, मुझे नहीं लग रहा है कि एक पीक्यूआरएस ऐसे कुछ पर्टिकुलर सिम्टम है राइट। तो मैं उसको उतना ज्यादा ध्यान नहीं दी ओके। तो ये इसमें क्या है कि उसको अच्छा नहीं लगता है, इसमें क्या होता है कि अच्छा नहीं लगता है, जैसे स्क्रैच होता है ना, स्क्रैच में ऐसे लगता है कि उसका स्क्रैच में अगर किसी का इसके साथ अगर स्क्रैच रहता है उसमें कैसे फील होता है कि दैट लाइफ पियर्स यू, मतलब जैसे कि लाइफ में ऐसे कुछ हुआ है जो रिप ऑफ हो गया, मतलब टियर हो गया, मतलब कुछ कट आ गया है ना, जैसे स्किन जब भी ब्रोकन होता है कट होता है तभी जाके स्क्रैच, मतलब अभी वो उसका जैसे स्किन का एक कंटिन्यूटी रहता है ना, वो पहले टियर होता है उसके बाद ब्रोकन होता है उसके बाद स्किंग आता है ना, तो उसके बाद स्क्रैच, मतलब अभी लाइफ जो है, लाइफ क्या है कि वो उसमें से ये हो गया आपका लाइफ आपको टियर कर रहा है राइट। तो ऐसे वाला हम लोग सोच सकते हैं क्योंकि ये कॉम्पोनिस का एंड कॉन्टेक्ट डर्माटाइटिस का वो मतलब अभी उसका काम भी है ना, वो क्या करेगा उसको तो करना ही है ओके। तो जैसे कि हमारे पेशेंट का जैसे हुआ कि जैसे कि इसको एक तो रूब्रिक है इसमें सरकारी में डेल्यूजन इमेजिनेशन पॉइजन अबाउट टू बी डी, मतलब उसको लग रहा है कि मतलब ये आगे जाके डेल्यूजन इमेजिनेशन पॉइजन अबाउट टू बी दैट ही, इसमें काफी पड़ा, मतलब ये तो कंटिन्यूस एक्सपोज हो ही रहा है, मतलब पहले जो जॉब में था वहां पे भी हो रहा था अभी भी हो रहा है ना। तो उसको लग रहा है कि आगे जाके कि ये पॉइजन हो जाएगा, मतलब अभी ये केमिकल कंटिन्यूसली ही एक्सपोजिंग, मतलब ये क्योंकि अभी 2-4 years before ये ऑलरेडी है, अगर हम लोग कंप्लीट देखेंगे बाद में इसका शादी हुआ, लेकिन शादी भी ऐसे हुआ कि वो शादी के बाद वो 3 months के बाद उसकी वाइफ भी चली गई राइट। तो वाइफ के भी चली गई, वो भी एक ये है कि क्यों चली गई, इन लोग तो वैसे कुछ भी किए भी नहीं है,
उसका भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो वो साइड में भी ऐसे क्यों हुआ? मतलब अभी सभी लोग मतलब इसकी वजह से क्या बोलता है कि सब लोग हमारा मतलब मैं कितना अच्छा था, हम लोगों का कितना लाइफ भी अच्छा चल रहा था, हमारे एरिया में बहुत अच्छा नाम भी था, ये नॉर्मली मतलब अभी हम लोग उसके प्लेस में अगर खुद को रख के अगर सोचेंगे तो मतलब ऐसे ज्यादा ऑनरेबल वाला बंदा वैसे करेगा ये भी नहीं है। मतलब उनका तो ऑनर ओन हुआ ही है, क्योंकि मतलब ये लोग कुछ नहीं किए, लेकिन जब भी लोग पॉइंट करेंगे दैट इज ऑल्सो कि ऐसे नहीं करना चाहिए, जैसे कि सभी लोग भी बताए कि रॉन्ग प्रॉपर, मतलब अभी नहीं तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक वो एक मैरिज में भी अगर हम लोग उसको अलग से भी सोच सकते हैं कि ऐसे एक मैरिज हुआ है उसके बाद उसको ये सब प्रॉब्लम हुआ, तो ये रॉन्ग सफर बहुत ज्यादा हुआ। और एक अच्छा पॉइंट क्या है इसमें कि ये बाद में ना जब भी पूछे हाँ तो वो क्या है कि साइन करके रखा रहे, तो वो पॉइंट को कैसे हम लोग ले सकते हैं कि ऐसे ना ये बंदा बहुत ज्यादा के जो रहते हैं ना वो बहुत ज्यादा कॉशियस एंड एंग्जियस भी रहते हैं, बहुत कॉशियस रहते हैं ये लोग ना, दो बार मतलब जैसे चेक ट्वाइस मतलब डबल चेक करेंगे, मतलब एक बार देखेंगे क्योंकि ये ओटीपी वगैरह में भी पड़ा है, मतलब एक बार देखेंगे हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, ये दो बार चेक मतलब अपनी तरफ से पूरा वो प्रोसेस रहेगा, ये वाला रूब्रिक भी हम लोग ऐसे रेट्रो में सोच सकते हैं, है ना। तो उसमें और ये क्यों शादी करने के लिए ये मना किया है ना, तो उसको पहले क्या लगता था ये फिर से उसको ना मतलब ये एक बार ना ये हर्ट हो गया है, मतलब एक बार ना इसका लव क्योंकि ये अभी तक कभी किसी को प्यार नहीं किया था, तो अभी तक ये बहुत अच्छा लड़का था, सभी लोग अच्छे नाम से इसको जानते थे, लेकिन एक बार ऐसे शादी किया उसके बाद प्यार हुआ, लेकिन अभी क्या हुआ वो उसका लव डिसअपॉइंटेड मतलब वो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो गया, अभी उसका एक अनहैप्पीनेस हो गया, मतलब ये नाखुश हो गया ना कि ये भी पहली बार हुआ है लेकिन 3 महीने के बाद चली थी ये, है ना। तो फियर ऑफ इंजोर और हर्ट ऑफ पेन मतलब उसको मतलब ये तो एक बार में बहुत बाकी वाले बंदे बहुत इमोशनल ये रहते हैं, लेकिन सभी क्या है ना उनका जैसे सॉइल जैसे स्टार्ट होता है एलिमेंट फ्रॉम सप्रेशन है, सभी सप्रेशन करते करते रहते हैं, मतलब सभी अंदर 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 रखेंगे वो लोग, तो ऐसे ही उसका इवोल्यूशन होता है, जैसे कि 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है ये, मतलब तभी भी उसको पढ़ने के लिए मन था लेकिन ऐसे घर का फाइनेंशियल स्टेट उतना अच्छा नहीं था, तो तभी ने और एक ऐसे रूब्रिक सोची एलिमेंट फ्रॉम फादर एब्सेंस ऑफ दी कथा रूब्रिक है, जिसमें भी काफी पढ़ा है, मतलब अभी हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं अगर उनका फादर उसके चाइल्डहुड में डेथ हो गया तो रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ गया, राइट, वो एक पॉइंट भी हो सकता है। और दूसरी चीज है जिनका फादर ऑलरेडी है लेकिन ही इज नॉट टेकिंग एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो तभी भी मतलब है लेकिन नहीं होने के बराबर है, तो वो तभी भी हम लोग ना ये रूब्रिक थोड़ा सोच सकते हैं, सिंथेसिस में भी पड़ा है ये, इसमें भी इसमें रडत में भी पड़ा है, रडत एडोलिस में भी है, तो उसके बारे में भी सोच सकते हैं, मतलब फादर एब्सेंस है ना इसको, तो अभी क्या है कि इसको डोमिनेशन जैसे इसके प्रेशराइज हो गया ना, इसको पढ़ने के लिए मन था लेकिन ये वो करती वाला बंदा वो पढ़ने के लिए मन था, ये ना एक पढ़ा है एक रूब्रिक में रीडिंग डिजायर में भी पढ़ा है, मतलब उसको पढ़ने के लिए मन था लेकिन ये पढ़ नहीं पाया, है ना, तो ये तभी भी ये कर दिया ना फिर कर दिया, उनके हिसाब से चला गया और कुछ भी बोला भी नहीं है क्योंकि सबको प्लीज करना, तो तभी भी ये छोटा भी था लेकिन घर का सब रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया, अच्छे से घर बनाया, ये सब चीज किया, तो तभी भी ये अपना मन को तभी भी ये आपको खुद को ना इसका इमोशन को अपना सप्रेस किया, है ना, ये वाला चीज है, तो तभी भी हम लोग सोच सकते हैं। और जो शादी क्यों नहीं किया, तो एक तो मुझे लगता है कि फियर ऑफ हर्ट ऑफ बीइंग, मतलब एक बार वो हर्ट हो चुका है मैम, तो ये तो मैम मैम सॉरी फॉर इंटरप्शन, थोड़ा लीव करके आइए मैम, बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा आपका वॉइस वीडियो। जी मैम अभी आ रहे हैं, विजिबल नाउ अनुपमा मैम, हाँ नाउ इट्स क्लियर मैम, थैंक यू, ओके ओके मैम, थैंक यू।
तो अभी वो शादी नहीं किया ना, तो वो फिर से ना हर्ट होना नहीं चाहता है, बहुत इमोशनली वल्नरेबल बनने रहते हैं ये लोग। और एक बार लव डिसअपॉइंटमेंट में भी पड़ा है एंड एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट में भी पड़ा है। तो और एक है ना कि उसको ना फियर ऑफ बीइंग, मतलब उसको क्या लगता है कि फियर नॉट टू बी एक्सेप्टेड, मतलब ये इतना अच्छा रहता है लेकिन उसको क्या लगेगा कि सामने वाला बोलेगा कि मैं, मतलब फियर ऑफ नॉट टू बी एक्सेप्टेड एंड फियर नॉट टू बी लव, मतलब मुझे कोई लव नहीं करेगी। मेरा और एक भी केस था, मैं थोड़ा उसके साथ थोड़ा कोरिलेट करना चाहूंगी। मतलब वो बंदा कैसे बोला था, कार्तिक का बंदा, वो कैसे बोला था, खुद को व्यक्ति कार्सिनोमा हुआ है लेकिन वो क्या बोल रहा है कि मेरी वाइफ जो है, कि मेरी वाइफ की बड़ी बड़ी मांग है, मतलब उसको ना फोर व्हीलर चाहिए लेकिन मेरा ना, मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ सो दैट कि मैं उसको खुशी दे सकूँ। तो मैं बोली कि तो आपको क्यों देना है अगर आप नहीं दे सकते हो, फिर भी ना मैं उसको ना खुश नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए मुझे ना बहुत खराब लग रहा है, मतलब मुझे बहुत फील हो रहा है कि आई एम नॉट एबल टू, मतलब मैं आई कैन नॉट एबल टू फुलफिल हर ड्रीम्स, ऐसे बोला वो। क्योंकि उसके मायके में उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा अच्छा है लेकिन मेरा जितना सैलरी है ना, तो वो जैसे बोलती है ना मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। उसकी बहन लोग सभी अच्छे कार में घूमते हैं, बाहर जगह पे ऐसे जाते हैं लेकिन मैं ना कुछ कर नहीं पा रही। ये मेरा सबसे बहुत बड़ा पेन वही है कि मैं उसकी फुलफिल नहीं कर पा रही, मतलब ऐसे वाला है। मतलब इतना अच्छा बंदा रहता है ना, तो उसको लग रहा है कि फियर ऑफ बीइंग नॉट एक्सेप्टेड, मतलब उसको क्या लग रहा है, ये तो प्लीज कर रहा है लेकिन इसको लग रहा है कि इसको वही चीज है अगर ये। और दूसरी बात है कि एक बार ऑलरेडी इंसिडेंट हो गया और बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हेलो हाँ, की नोट में बताया गया कि वो फास्टिडियस, मतलब वो खुद को ना बहुत ऑर्डर में रखेगा, स्पिरिटेड भी है, उसके कंट्रोल भी रहता है कि अपने लाइफ के प्रति कंट्रोल रहता है, बहुत प्रिकॉशियस चाइल्ड रहते हैं, अगर चाइल्ड हो कुछ भी है बहुत प्रिकॉशियस रहता है, सिंपैथेटिक रहता है, लेकिन ये क्या है ना बहुत ज्यादा सप्रेस करते हैं अपने इमोशन करेंगे। और जब जो भी है बहुत सप्रेशन बहुत ज्यादा रहता है, मतलब एक लॉन्ग हिस्ट्री और सप्रेशन सप्रेशन वही रहता है। और ऐसे ये केस में ना वो भी था हॉरिबल सैड थिंग सैड स्टोरी सेक्सर प्रोफाइंड वो वाला भी था। तो मेनली वो शादी क्यों नहीं किया, फियर ऑफ नॉट टू बी एक्सेप्टेड एंड नॉट टू बी बिलॉड, मतलब उसको लग रहा है कि अगर मैं, और वो हर्ट भी नहीं होना चाहता था, फियर ऑफ नॉट ऑफ हर्ट ऑफ बी उसको, और एक बार तो वो हर्ट हो चुका है, इतना इमोशनल बन रहा है, अभी आगे नहीं होना है उसको, और डिलीजन रॉन्ग सफर ने भी है, मतलब नहीं तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि उसका मैरिज में वो उसका एडजस्ट भी हुआ है, क्योंकि अभी ये कुछ भी नहीं किया लेकिन ये भी सफर हुआ, और ऐसे भी हम सोच सकते हैं ना। ये वाला था। और जैसे कि और एक एपिसोड जैसे था ना, वो एडजस्ट स्ट्रॉन्गली टू अदर्स में भी पड़ा है, जैसे कि ये उसके ग्रैंड मैक्स के साथ, उसके ग्रैंड मदर के साथ बहुत अटैच था ये बंदा। मैं दो तीन केस भी मैं देखी हूँ जिसमें ना बहुत ज्यादा कार्तिक के जो पेशेंट्स रहते हैं ना, वो ज्यादा ज्यादा ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, मेरा दो तीन केसेस ऐसे ही अच्छा हुआ है जिसमें वो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा एडजस्ट रहते हैं, ये वाला भी हम लोग एक सोच सकते हैं। और क्या है कि अगर हम लोग अगर देखेंगे तो इसमें आर्टिस्टिक रहता है, तो फास्टिडियस वाला ऐसे मेल तो मैं उतना कुछ ऐसे में पूछ भी नहीं है ना, तो उनको क्वारल वगैरह भी हो सकता है ना। तो अभी इसके बाद ये ना बहुत ज्यादा, मतलब एक ना कुछ, मतलब अभी रिमोट ऐसे वाला हो गया है ना, तो अभी इसको कोई, इसको लगता है कि वो कोई नहीं है, मतलब वो डिलीजन बिलोंग नॉट टू एनीवन, ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं। और उसके पास कोई ये भी नहीं, फ्रेंड्स भी नहीं है, ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं ना। जैसे कि अगर कार्तिक को देखेंगे क्लीनलीनेस मायने में भी है, बहुत हाई स्पिरिटेड रहता है,
एक अच्छा वाला रूब्रिक है कि क्रुएलिटी सीइंग और हियरिंग कैनॉट बियर सिनेमाइट, ये रेडर में पड़ा है जिसमें साक्षी है, और क्रुएलिटी सीइंग और हियरिंग कैनॉट बियर टेलीविजन, और अगर वो सिनेमा में कुछ अगर क्रुएलिटी देखेगी तो वो देख नहीं पाएगी। इवन ऑन मर्डर बोल के एक रूब्रिक है उसी रिलेटेड उसका सब रूब्रिक, और एक है क्रुएलिटी सीइंग और हियरिंग कैनॉट बियर टेलीविजन ऑन सर्जरी का भी वो देख नहीं सकती, किसी का ना वो दुख दर्द उतना देख नहीं सकती, मतलब इतना बेनेवोलेंट रहते हैं ये लोग, सिंपैथेटिक भी रहते हैं। और एक है कि वेल हैप्पी मोमेंट वेल सॉन्ग पास, मतलब उसमें ना दो ही रेमेडी है जिसमें सॉरी तीन रेमेडी है, डलकमरा स्पॉन्जिया है उसके साथ ना ये भी पड़ा है, जैसे कि हैप्पी मोमेंट जो है ना वो सबके बारे में वो ड्वेल करती है, इसीलिए प्रीतिकम भी शायद है, फोर रेमेडीज है। ये खुद को क्या है कि मर्ज भी कर देती है ना, तो एक एनवायरमेंट के साथ मर्ज कर लेती है, तो इसमें और एक रूब्रिक है उसी रिलेटेड, मतलब वो ना मिल जाएगी, भूल मिल जाएगी। एक ना बहुत अच्छा रूब्रिक है सिंथेसिस में, ऑक्यूपाइड विद द ऑब्जेक्ट इमिडिएटली अराउंड मी, इसमें ओनली टू रेमेडीज है, ऑक्यूपाइड विद द ऑब्जेक्ट इमिडिएटली अराउंड मी, मतलब अभी ये उसका काम कर रहा है ना, अभी वो काम पे बिजी हो गया, अभी काम कर रहा है तो उसी में वो अपना मतलब जो बोलते ना मशगूल हो गया, मतलब अभी उसमें वो अपना काम में वो बिजी हो गया, ऑक्यूपाइड कर दिया तो खुद को, मतलब अंदर बहुत ज्यादा है, जैसे कि बोलते हैं ना ग्रीफ अंडरमाइनिंग द कंस्टिट्यूशन में साथ ही पड़ा है, मतलब बाहर ना इतना स्माइलिंग आपको देगा ना, आपको लगेगा कि ये कुछ वैसे इसके मतलब कुछ नहीं है, लेकिन इसका एलिमेंट भी अनहैप्पीनेस से, जैसे कि प्रोलॉन्ग्ड वाला अनहैप्पीनेस से भी होता है ना, तो उसी हिसाब से हम लोग भी सोच सकते हैं कि मतलब अंदर तो बहुत रहेगा इसकी वजह से, जैसे हम लोग जैसे जैसे कि कार्सिनोमा वगैरह में क्या होता है, जैसे कि ब्रेस्ट कार्सिनोमा हुआ उसी से जो नोजोड है ना, तो जैसे कि जब तक ये कंट्रोल करेगा ना अपने आप को, बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखेगा, लेकिन बाद में एक बार ना वो इरप्ट होता ही है ना, जब ये मेटास्टेसिस होता है तो इतना अंदर अगर इतना बोलते हैं ना एलिमेंट फ्रॉम इतना रिप्रेशन इतना सप्रेशन रहते 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 एक दिन ना वो जो टूटता है, मतलब जब इरप्ट होता है तो बहुत ज्यादा मेटास्टेसिस का भी हो जाता है ना। एक तो अच्छा रूब्रिक है रैंकिंग ओमेगा टाइप, मतलब ऐसे नॉर्मली हर के बंदे जो है कि ओमेगा टाइप मतलब हाई रैंक वाले बंदे रहते हैं, उनका हाई प्रोफाइल ऐसे रहता है, जिनको रीडिंग डिजायर फॉर मेडिकल बुक्स पड़ा है, रीडिंग प्रेशर है उनका, बहुत ज्यादा रिलीजियस अफेक्ट में ये लोग रहते हैं। एक ना एक रेमेडी होम्योपैथिक एवर्जन टू में भी ये पड़ा है, ये काफी पड़ा है तो। और एक है रेस्पॉन्सिव इंटेक्ट विदाउट, रेस्पॉन्सिव में क्या रहना रहता है कि मतलब रेस्पॉन्सिव जो रहते हैं ना, अभी हम लोगों को क्या करना पड़ता है, मतलब एक क्विक ना एक एक्ट कुछ करना पड़ता है रे, मतलब अभी एक मतलब एक मतलब क्या है ना, एक क्विकली नहीं तो पॉजिटिवली इसको ना मन हो या ना हो हमको करना है, उसमें ओनली टू रेमेडीज है, डलकमरा है और काफी है। ये जो बंदे रहते हैं ना बहुत टैलेंटेड भी सक्सेसफुल रहते हैं, जैसे वेरिया कैलिसॉल के साथ काफी भी है, ये सभी का यूजफुल डिजाइन टू बी भी है, इसमें आर्मी का है, ऑरम है, पोजिट्रोनम है, इसके साथ काफी भी पड़ा है उनके, जैसे कि इग्नेशिया की बहुत सारे सेट्स रहता है इसमें, जैसे कि ब्रीथिंग डिफिकल्ट है ना, मतलब सेल्फ कंट्रोल इतना इंक्रीज करती है ना, तो वो ब्रीथिंग नेवर में भी पड़ी है, मतलब वो बहुत ज्यादा कंट्रोल करके, जब भी हम लोग इग्नेशिया सोचते हैं ना तभी हम लोग उसको भी सोच सकते हैं ना, तभी हम लोग उसको भी सोच सकते हैं कि काफी भी वैसे हो सकता है ना। तो मैं और एक रूब्रिक ली थी, मैं नॉर्मली एक क्लिनिकल का भी एक रूब्रिक ली थी, मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। तो उसमें एलर्जी में बहुत ज्यादा काफी का एलर्जी मल्टीपल में पड़ा है काफी, एंड बहुत सारे रूब्रिक है एलर्जी रिलेटेड, मतलब जैसे कि एलर्जी कंस्टिट्यूशन में बहुत सारे जगह पे काफी पड़ा है, मैं थोड़ा आप लोगों को शेयर करूंगी सो दैट की आप, मैं उसको भी देखी थी लास्ट में देने के टाइम, एक तो एलर्जी रिलेटेड रूब्रिक्स बहुत सारे पड़ा है, एलर्जी मल्टीपल एक है, एलर्जी एक क्या है, एक सर्टाजाइन बोल के है,
मोर एलर्जिक रिएक्शन, जैसे कि हम लोगों का फूड वगैरह में यूज होता है, फूड कलरिंग में, जिसके बाद हम लोगों को, जैसे कि पेशेंट आते हैं, पेशेंट आर कंप्लेनिंग ऑफ अर्टिगरिया हुआ, एंजियोडीमा हुआ, तो ये सब में भी ये पड़ा है, तो तभी हम लोग सोच सकते हैं इसके बारे में। अगर हम लोग अगर काफी अगर देखेंगे तो ये क्यों है कि ये प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज में है ना, आर्ट एबिलिटी में है, लव फॉर नेचर में है ना, मतलब ये ना जितना यील्ड भी करती है ना, ये इसको ना डोमिनेट करना भी इजी है ना, मतलब ये छोटी छोटी चीज में भी बहुत ज्यादा ये हो जाती है, और वो खुद हैप्पी नहीं रहेगी लेकिन बाहर को ऐसे वो शो भी नहीं करेगी, बहुत यील्ड भी करेगी है ना। तो ऐसे वाला कंडीशन के लिए कैंसर जैसे इनक्यूरेबल डिजीज उसको होता है, ऐसे 90 रूब्रिक्स भी पड़ा है फिर में, एंड 30 रूब्रिक्स सेंसिटिविटी के भी है, मतलब ये बहुत ज्यादा करती है करती है करती है ना, वो चीज है इसका। लेकिन कभी नो कंप्लेंट्स कुछ नहीं है, मतलब बाहर भी ऐसे अगर केस में देखेंगे कभी ये वो करके चली गई लेकिन ये खुद सफर हुआ है ना, ऐसे के ऐसे कौन कर सकता है, मतलब सिर्फ बात ही कर सकती है इतना, मतलब जैसे मात्रा तक भी जाती है ना, इतना तक इतना करना कौन कर सकता है, सिर्फ ये भी कर सकती है ना। और एक मेडिसिन रिलेटेड बहुत सारे रूब्रिक पड़ा है, माइंड फियर मेडिसिन अनेबल टू बियर एनी काइंड ऑफ बी, जिसमें दो ही रेमेडीज है, एलियम सेटाइवा एंड कार्सिनोसिन। इसी में भी मतलब अभी जैसे कि मेडिसिन हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन देते हैं कुछ एक प्रिवेंशन के लिए देंगे, नहीं तो ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए देते हैं, लेकिन कार्तिक को लगता है ना डॉक्टर की मेडिसिन मुझे सूट नहीं करता है ना, तो उसी रिलेटेड कुछ ये है रूब्रिक्स है जिसमें डेल्यूजन पॉइजन इज अबाउट टू बी पॉइजन, में जो पहले भी बताई है डेल्यूजन रॉन्ग डूइंग समथिंग रॉन्ग इज, एंड डेल्यूजन रॉन्ग सफर्ड भी उसी रिलेटेड ले सकते हैं, एंड डेल्यूजन रॉन्ग सफर्ड भी है चिल्ड्रन, ये सब रिलेटेड भी हम लोग ले सकते हैं, जिसमें कि उसको ना वो मेडिसिन ज्यादा नहीं लेगी। ये पेशेंट भी क्या किया ना, दो बार में उसको 90% रिलीफ हुआ, वो पूरा ये हो गया, मतलब नहीं आया, फिर से आया एक बार, तो ये इतना ज्यादा मेडिसिन थोड़ा दूर में भी रहता है, 200 मीटर दूर में रहता है, फिर भी ये आया भी नहीं है, मतलब दो बार लिया और मुझे बाद में मुझे ये जो रूब्रिक है ना, मुझे लगा कि ये उतना दवाई भी पूरा ये करके नहीं खा रहा, ऐसे मुझे लगा। तो ये जो काफी यूजफुल डिजाइन टू में भी जो पड़ी है, तो उसको ना सभी का एंजाइटी रहता है, जैसे कि ये इसको लव नेचर ये सब में भी पड़ी है ना, बेनेवोलेंस है, हाई स्पिरिटेड है ना, एक पॉजिटिव वाला बंदा रहता है, जो सोशिएबल भी है ना, तो जैसे कि लव जनरल ओवर फ्लोइंग लव फॉर ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज्यादा इसको लव है, जैसे कि बहुत ज्यादा सिंपैथी है, एम्पैथी है ना, ये वाला चीज है। तो जैसे अगर हम लोग देखेंगे अलग एक साइड भी हम लोग देख सकते हैं, जिसमें ओडासिटी भी दिख सकता है, ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन दिख सकते हैं, मतलब टेम्पर टेंट्रम बच्चों में भी देख सकते हैं, है ना, ऐसे नहीं कि वो एक ही स्टेज में रहेगी, ऐसे नहीं, उसका भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नेगेटिव स्टेज भी है ना। तो जैसे कि बहुत ज्यादा आजकल के बच्चे में जैसे दिखते हैं कि बहुत ज्यादा पेरेंट्स का जैसे कि हाई एक्सपेक्टेशन रहता है ना, तो जैसे कि लॉन्ग डोमिनेशन हुआ, लॉन्ग हिस्ट्री, तो जैसे कि इसको तो सेंसिटिव टू रिप्रमेंट है, ये तो बहुत यूजलेस भी इसको पसंद नहीं है, है ना, तो ये ऐसे भी ये हो सकती है ना। तो और एक तो अच्छा रूब्रिक है वेदर थंडरस्टॉर्म लव पर में, ये मतलब ये इतना खुद को ना हाई स्पिरिटेड करेगी ना, मतलब जैसे अनएक्सपेक्टेड थिंग जैसे भी कैसे भी सिचुएशन आए, जैसे कि उसको थंडरस्टॉर्म में भी वो एंजॉय करेगी है ना, तो ये वाला बाद में से क्या होता है कि जैसे ऐसे वाला स्टेज आता है जिसमें ना उसको वो थोड़ा इरेस्पॉन्सिबल हो जाती है, इसमें एक डेल्यूजन वाला क्या है कि नेग्लेक्टेड वाला है, डेल्यूजन मिसअंडरस्टूड वाला भी रूब्रिक है, और उसको लगता है कि एक तो बहुत अच्छा रूब्रिक है डेल्यूजन आर्म्स एंड हैंड्स नो मोर बिलोंग्स टू हिम, उसका आर्म्स और हैंड्स उसका नहीं है वैसे वाला, मतलब जैसे कि डेल्यूजन फिट नॉट बिलोंग्स टू हर, तो ऐसे वाला स्टेट में क्या होगा कि एक हेल्पलेसनेस फीलिंग हो जाएगा है ना, एक अच्छा रूब्रिक है सिंथेसिस में भी है, हेल्पलेसनेस फीलिंग इमोशनल लेवल में काफी पड़ा है, जैसे कि एक ऐसे वाला स्टेज हो गया ना जब वो खुद को ना डिफेंड भी नहीं कर सकती है, मतलब जैसे हम लोग सोच सकते हैं जैसे कि अभी इतना वो सप्रेशन कर चुकी है, अभी कुछ इरप्ट होगा, मतलब
अभी तक तो अंदर ही था, मतलब जैसे इसका, जैसे कि कर्सनोजेन का जैसे सॉइल बनता है ना धीरे धीरे, जैसा इसका इवोल्यूशन होता है धीरे, पहले उस सभी अंदर ही था है ना, जो ग्रीफ अंडरमाइनिंग द कंस्टिट्यूशन वो अंदर ही रखी थी, लेकिन बाद में एक ऐसा वाला स्टेट आता है ना, क्योंकि ये तो विपिंग में भी, विपिंग नेवर विपिंग में भी पड़ी है, और एक हेल्पलेस फीलिंग एट इमोशनल लेवल में भी एक अच्छा रूब्रिक है, इसमें भी पड़ी है ना, तो हमेशा हार्मोनी हार्मोनी ऐसे वाला, तो ये बंदा ऐसे भी हो सकता है क्योंकि अभी घर में भी हार्मोनी के लिए भी ये करता है, जैसे हेल्पलेसनेस फीलिंग में क्या रहता है, उसमें बहुत सारे रूब्रिक है जिसमें डेस्पेयर एग्जिस्टेंस अबाउट द मिजरेबल हो सकता है, ह्यूमिलेटेड, इतना ह्यूमिलेशन हुआ पनिशमेंट फ्रॉम, ह्यूमिलेटेड सेक्सुअल एब्यूज फ्रॉम, ह्यूमिलेटेड फीलिंग सेक्सुअल एब्यूज सेम फ्रॉम, एक एलिमेंट फ्रॉम सेम भी है, तो सेम मतलब इसको इतना खराब लग रहा है ना, मतलब मैं इतना अच्छा बंदा था, हम लोगों का इतना अच्छा नाम था, हम लोगों का जैसे कि ऑनर रूम होगा, ऐसे एलिमेंट फ्रॉम सेम भी एक अच्छा रूब्रिक है जिसमें भी हम लोग इसको सोच सकते हैं है ना, तो एक मतलब बाद में क्या है कि एक सैड, इतना सैड हो जाएगा तो बाद में ये सुइसाइडल डिस्पोजिशन तक भी जा सकती है, जैसे वो बाद में क्या है कि जैसे मार्टायर हुआ ना, तो मटर वाला फीलिंग कैसे होगा कि मतलब अभी उसका जो ये है ना कि कुछ बिलोंग नहीं करता है, मतलब उसका आर्म भी उसको बिलोंग नहीं करता है, इसका ये भी बिलोंग नहीं करता है, तभी हम लोग उसको सोच सकते हैं है ना, ये बहुत ज्यादा एंटिसिपेशन बहुत ज्यादा रहता है, मैं दो तीन पेशेंट में देखी देखी थी, एक लड़की आई थी वो क्या बोल रही थी, मतलब ये वो एक हमारे स्टूडेंट थी इंटरनी है अभी, वो क्या बोल रही थी, वो किसी से लव कर रही थी है ना, लेकिन उसको ना बहुत ज्यादा हर, और वो ना उसकी दादी के साथ भी बहुत अटैच थी ठीक है, लेकिन वो क्या बोली कि मुझे ना मेरे फादर को ये बात बोलना बहुत डर लगता है, हमेशा मैं जब भी जाती हूँ ना, घर जाती हूँ ना, मेरे दिमाग में वही चीज चल रहा है, कैसे बोल वक्त कुछ हो जाएगा, अगर वो कैसे रिएक्ट करेंगे, मतलब अभी पहले कुछ भी नहीं हुआ तो मुझे ना पहले मैं उसको दी थी, यही दी थी मतलब नेटर ही दी थी, लेकिन बाद में ना आप देखिए कि एक अच्छा रूब्रिक है कि कंसोलेशन एग्रेवेशन में भी पड़ा है ये, साथ ही और कंसोलेशन एम्यूलेशन में भी पड़ा है, दोनों में पड़ा है ये, मतलब अभी जोर से भी बात भी करेगी तो एडमिशन एग्रेवेशन में भी है, तो वो ना उसका आगे क्या होगा, कुछ मना कर देंगे, मैं दादी को बोली हूँ, दादी ना मेरे फादर को अप्रोच करेंगे, मैं बोले ठीक है ना, अगर मना करेंगे तो करेंगे, इसमें इतना प्रॉब्लम क्या है, नहीं मैडम, मतलब बहुत ज्यादा इसको ना एंजाइटी एंटीसिपेशन, मतलब फ्रॉम एंगेजमेंट एंड एंजाइटी बिसाइड वन सेल्फ, एंगेजाइटी भी ऐसे वाला बहुत ज्यादा है, और एंगेजाइटी कंसाइंस में भी ये पड़ी है, खुद को हेल्थ को लेके भी इसको बहुत ज्यादा हेल्थ को ये रहता है, एंगेजाइटी खुद के हेल्थ को रहता है, और एंगजाइटी हाइपोकॉन्ड्रिया सेल जैसे कि रीड बुक्स मैंने टू, हम लोग जैसे सिर्फ कैल्केरिया कार्ड है सोचते हैं, उसमें ना स्टेफी भी पड़ा है, नक्सोम भी पड़ा है ना, तो उसमें कार्सी भी है, नक्सोम पल्सेटिला स्टेफ एंड सल्फर सभी है इसमें है ना, तो ये एंगजाइटी उसका इतना बहुत ज्यादा, एंगजाइटी फियर बहुत ज्यादा ही है उसको, मतलब ये बोयंसी में भी रहती है ना, तो मतलब ये लेकिन बॉयंसी में रहेगी, लेकिन एक सैडनेस में ये दोनों अल्टरनेट स्टेट भी हो सकता है, सभी को बहुत ज्यादा केयरफुल रहती है खुद की चीजों में सभी के लिए है ना, तो हाँ यहाँ पे जो हमारा पेशेंट भी बोला था ना मुझे ठीक होना चाहिए, मतलब मुझे जल्दी ठीक होना, तो वो कैरी डिजायर टू बी कैरी में भी ये पड़ा है, तो ये वाला अगर केस रिलेटेड किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछिए, मैं ना थोड़ा ये करना चाहूंगी, अगर नेट्रमयूर होता तो जैसे कि नेट्रम जैसे एलिमेंट रहता है ना, उसका आउटर ऑर्बिट में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है, क्योंकि सोडियम एक कैटायन है, तो उसमें क्या होगा कि हमेशा ये ना बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी रहता है, नेट्रम के बारे में जो बताए, तो इसके लिए मैं थोड़ा क्लियर करना चाहती हूँ, तो उसको ये कहते हैं कि थोड़ा रिजर्व पर्सनैलिटी रहेगा, इंट्रोवर्ट रहेगा, और ब्रूडिंग वगैरह रहेगा, ड्वेलिंग वही पास डिसएग्रीमेंट ऐसे कुछ इसमें नहीं था, और दूसरी बात है ना उसको ना अगर ये काफी के जगह अगर नेक्ट्रम होती ना किसी के साथ भी, मतलब अभी अभी तो 3 मंथ से शादी हुआ था ना वो, और किसी के साथ भी ऐसे नहीं इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेती कि आई विल नॉट मैरी अगेन इन माई लाइफ, वो एक बार बोल दिया मतलब बोल दिया, और ना वो अभी भी स्टिल मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं उसको भी पूछी कि उनका एक एनिवर्सरी था है ना, तो वो
बन रहा क्या है कि मैरिज एनिवर्सरी में उसकी वाइफ नहीं है, ये मुझे पता है, लेकिन वो क्या है ना, वो उसका मैरिज एनिवर्सरी का फोटो ना वो अपना स्टेटस पे डाला था, वो सेम बंदा वो डाला था, तो मुझे लगा कि अरे ये तो उनका तो ये हो गया ना, मतलब वो चली गई है, मे बी डिवोर्स नहीं हुआ लेकिन स्टिल ना इन लव विथ हर वाइफ, वैसे मुझे लगा, मतलब वो कितना ऑनेस्ट बंदा है, मतलब कितना अच्छा बंदा है, मतलब पहली बार भी वो लव किया लेकिन फिर भी वो चली गई, लेकिन स्टिल भी मतलब वो कितना अच्छा बंदा है, वहां से हम लोग थोड़ा देख सकते हैं, मतलब उसको ना हमेशा कंपनी भी डिजायर चाहिए वो फिर भी, और एक अच्छी बात है कि वो कुछ कंप्लेन भी नहीं किया कि मेरी वाइफ अच्छी है, वो भी बता रहा है, तो इतना अच्छा कौन कर सकता है सिर्फ कार्तिक वगैरह, और कोई तो ऐसे नहीं कर सकता मुझे जितना लग रहा है, और एक डांसिंग रिदम में भी रहते हैं ये लोग है ना, डांसिंग रिदम में मतलब एक रिदम वाला डांस चाहिए इनको है ना, तो उनको लगता है कि वो डेलुजन बॉडी डिमिनिश्ड ऐसे वाला में जो बताई ना, तो एक एक पार्ट ये हो गया है, मतलब आर्म का आर्म खुद का नहीं है, फिट उसका नहीं है, ये फ्रेंडलेस हो गया है, ऐसे वाला स्टेट में ही वो हेल्पलेस फीलिंग होकर मरता है स्टेट तक वो जा सकती है, ऐसे वाला बहुत सारे ये फियर वगैरह बहुत ऐसे, वो डेस्पेयर जब भी जो हम लोग सोचते हैं कि डेस्पेयर एग्जिस्टेंस है बहुत मिजरेबल में, जैसे सीपिया है ना, नेट्रोम्यूर रूटा सीपिया है, इसके साथ काफी भी पड़ा है, उसको भी बहुत ज्यादा डेस्पेयर रहता है कि रिकवरी ये सब के लिए है ना, बाद में वो डिस्करेज वगैरह हो जाती है, बहुत ज्यादा डिस्करेज हो जाती है, और वैसे बाहर बाद में वैसे वाला स्टेट में भी बहुत इतना सैडनेस सेपरेशन इतना अगर होगा, इतना ब्रीफ प्रोलॉन्ग्ड वाला, जब भी आप देखोगे कार्तिक का ना बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड हिस्ट्री रहेगा, प्रोलॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डोमिनेशन हुआ जो भी है, प्रोलॉन्ग्ड हिस्ट्री रहेगा इतना, जैसे कि बोलते हैं ना जैसे कि डोर मैट, जैसे ऐसे भी बोलते हैं कि कार्तिक को डोर मैट जैसे, मतलब कोई भी उसको यूज, मतलब जैसे यूजफुल डिवाइस होती है ना, तो कोई भी उसको यूज किया, मतलब डोर मैट क्या है कि वो भी बाकी रहता है ना, लेकिन सब भी उसको ये करते हैं, मतलब ऐसे वाला सिचुएशन हम लोग सोच सकते हैं। एलर्जी रिलेटेड भी बहुत ज्यादा रूब्रिक्स है इसी में, मैं वो मतलब मैं किसको देख के उसको ये कर की थी, मैं वो आपके ग्रुप में डाल दूंगी, कौन सा रूब्रिक उसी रिलेटेड रूब्रिक भी ली थी तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी, किसी को कुछ डाउट हो तो। और स्टेफ का क्या है कि ये कंस्टेंट, मतलब अभी स्टेफ को अगर हम लोग देखेंगे, वो स्टेफ तो एम्बिशन इनके फ्रेम फॉर में है ना, लेकिन ये 10th स्टैंडर्ड के बाद कुछ ना कुछ एम्बिशन, मतलब वो कुछ ना कुछ पढ़ाई वगैरह करता, ऐसे मुझे लगता है कि एंडिंग है, मतलब ऐसे थोड़ा कुछ ना कुछ ये रहता है, पोलाइट रहता है ऐसे ही है, लेकिन उसको ज्यादा इसमें क्या है कि वो भी आपको जैसे लगा कि केस में कि एलिमेंट फ्रॉम ऑनर वाउंडेड जैसे लगा, उसको फियर सोसाइटी का तो सबसे ज्यादा ये फियर तो स्टेप को भी रहता है, और एलिमेंट फ्रॉम एम्बरेसमेंट वो भी सही है, लेकिन वो तो उसका एम्बिशन भी वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस भी रहता है ना, उसको फेम चाहिए था ना, ये वाला एक्सपेक्ट नहीं था क्योंकि ये कर गया है ना, कुछ बोलता नहीं था लेकिन कर गया है ना, ये वाला स्टेट था, और ऐसे कुछ उसको और कुछ अलग प्रॉब्लम नहीं था, लैकेसिस होता तो लैकेसिस अगर होता तो इतना रिवेंजफुल हो जाता, अगर वाइफ तो कैसे चल, मतलब एक एनिमल फैमिली है, हाई सेक्सुअलिटी में भी है, वो तो थोड़ी छोड़ेगी, पूरा रिवेंजफुल होके उसको ना पूरा ये करने के लिए पूरा टूट पड़ेगी है ना, लैकेसिस होता तो वैसे ये भी नहीं होगा, एंड ऑरम भी अच्छा सोचे सब लोग, ऑनरेबल वाला ये वाला, लेकिन ऑरम वाला की ऑरम का क्या है कि वो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है बहुत, उसको भी फील रहता है, लेकिन इसका भी एम्बिशन सब ज्यादा रहता है, लेकिन ये ना पूरा जैसे कि डोमिनेशन ज्यादा था, मतलब डोमिनेशन मतलब अभी इसके ऊपर ना पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, इसकी वजह से उसको कभी लेना पड़ा, कार्तिक को वैसे होता है, मतलब वो खुद लेना नहीं चाहता है लेकिन वो प्रेशराइज होके डोमिनेट होके ये यील्ड भी हो जाता है और सभी को हाँ हाँ बोल देती है, वही प्रॉब्लम है इसका, तो इसके लिए सभी अंदर अंदर ग्रीफ अंडरमाइनिंग का सिचुएशन हो जाता है, और किसी को कुछ डाउट रहेगा तो पूछिए, सो दैट आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई, नहीं तो कोई अगर कुछ ऐड भी करेंगे तो। कोई क्वेरी था, कोई क्वेरी है क्या मैम?
ठीक रहेगा तो फिर बोले नहीं होगा ये सब, मतलब भेज देती हूँ वो वाला एलर्जी का दो तीन रूब्रिक था, मतलब जिसमें काफी पड़ा है मैं थोड़ा भेज दूंगी। चार्ट भी शेयर करती हूँ। हेलो, किसी को कुछ करी है तो डेट की मैं कर सकती हूँ कुछ क्लियर, अगर और कोई कुछ ऐड करना चाहेंगे इसी केस से रिलेटेड कुछ रहेगा तो। हाँ जी सर, फिर सर बोलिए प्लीज। जी सर, मैंने पहले 200 ही दी थी डिस्टिल वाटर एक्वा डिस्टिल में, 3 डोजेस दी थी, उसके बाद थोड़ा लंबा रहता है पेशेंट तो 15 दिन के बाद आया था, तभी सेकेंड डोज में फिर से काफी 200 ही दी थी, 90% ठीक हो गया था, लेकिन बीच में ना एक बार रिलैक्स हुआ फिर से आ गया है ना, तो मैं अभी इस बार आया ना तो अभी हो गया था 2 महीना हो गया था, तो मैं क्या की 1 एम दे दी, अभी पूरा ठीक है, उसका कोई ये प्रॉब्लम नहीं है, मेंटली भी ही इज वेरी, मतलब उसका वर्क वगैरह पूरा क्लियर है, नो अच्छा कांग्रेस, मतलब थोड़ा थैंक यू सर फॉर थैंक यू। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछे, कुछ क्वेरी रहेगा कोई ऐड करना चाहेंगे कार से रिलेटेड। बहुत अच्छा था दी सेशन, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ कार्सिनोसिन। थैंक यू दी। कभी ना मतलब मैं नॉर्मली अगर सल्फर, अगर हम लोग देखेंगे सल्फर को, अगर देखेंगे एब्यूज ऑफ मेटल में, जैसे कि हम लोग क्लिनिकल में भी बहुत देखे हैं, एलन स्कीनोट भी बोलता है कि एब्यूज ऑफ मेटल में सल्फर यूजुअली यूज होता है, तो आप ऐसे नॉर्मली एक दिमाग में फिक्स करना है, अगर कोई भी एलर्जी रहेगा ना, एनी केमिकल्स हुआ, टेट्राजिन हुआ, वो वाला मैं ना आपको शेयर कर रही हूँ शॉर्टली, और कोई भी जैसे कि मेडिकेशन वगैरह, मतलब अगर कुछ बहुत ज्यादा कुछ खा लिया मेडिकेशन वगैरह, इंटॉक्सिकेशन, ये सब होने के बाद ना काफी ना बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, मतलब अच्छा काम करता है ना, क्योंकि एलर्जी मल्टीपल में भी बड़ा है, और एक एलर्जी ना टेट्रा जीन बोल के एक है जो ना बहुत ज्यादा पेस्ट्री में यूज होता है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट में यूज होता है, सीरियल में, जैसे कि हम लोगों का जैसे ओट मिल्क हुआ, मूसली हुआ, ये सब में ना एक येलो वाला कलर देता है, येलो एंड ऑरेंज वाला, जैसे सॉस वगैरह में भी यूज होता है, तो ये सब होने के बाद ना मैक्सिमम लोग ना आजकल ना बहुत ज्यादा स्किन कंप्लेन आप कंपेयर करोगे पहले से अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना, अर्टिकरिया हुआ, एंजियोइडिमा, छोटे छोटे बच्चों का ना अर्टिकरिया हो जा रहा है, एंजियोइडिमा हो रहा है, तो आते हैं स्किन सिम्टम के लिए बहुत ज्यादा आते हैं हम लोगों को, मतलब स्किन से होम्योपैथिक से तो अच्छा और कोई तो अच्छा ग्रिप तो और किसी में नहीं है ना, डर्मट में, तो वो लोग भेज भी देते हैं है ना, सोरियासिस हुआ, तो लेकिन एलर्जी वाला में अगर कुछ भी रहेगा ना, एलर्जी में हम लोगों को दिमाग में ना फिट रखना है कि साथी बहुत अच्छा ये है, कोई भी एलर्जी हो है ना, अगर केमिकल वगैरह हो तो बहुत ज्यादा इसके लिए स्पेसिफिक है, बहुत अच्छा काम करता है, मैं खुद भी देखी हूँ 2-3 केस में मेरा देखी हूँ, मतलब बहुत अच्छा काम करता है ये तो, ये वाला केस था केमिकल एक्सपोजर वाला, जैसे कि गोल्ड क्लीनिंग वाला था, लेकिन बहुत अच्छा है, ऐसे आप ना ये दिमाग में थोड़ा रखो कि बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि उसी रिलेटेड रूब्रिक बहुत सारी सभी बहुत ज्यादा है, मैं ठीक है, और कोई और कुछ बोलना चाहेंगे भाई है क्या?
मैम यूजुअली पेंटर्स आते हैं ना विथ केमिकल रिएक्शन एंड स्लाइट इचिंग एंड फिंगर सब ये हो जाते हैं स्वेलिंग ऑफ फिंगर्स ड्यू टू केमिकल रिएक्शन पेंट रिएक्शन इन दैट आल्सो वी कैन थिंक ऑफ कार्सी मैम जी मैम बहुत है मतलब अभी बहुत ज्यादा जैसे कि 4 इयर्स हो गया क्रॉनिक बहुत ज्यादा हो गया तो मैं ना आपको भेजती हूँ मैम मतलब बिना लीव करके ना भेज नहीं पा रही हूँ है मेरे पास लेकिन मैं भेजना चाहूंगी मतलब एनर्जी वाला पार्ट हाँ तो आप थोड़ा एलर्जी का देख लीजिए कि बहुत सारे है मतलब एलर्जी मल्टीपल लेक है एलर्जी का बहुत ज्यादा रोटेट्रिंजिन का है और केमिकल एक्सपोजर में स्पेसिफिक है ये तो उसके लिए भी हम लोग अगर हम लोगों का सभी ये हो रहा है इसके साथ अगर हम लोगों को ना एक क्लिनिकल में इतना अच्छा एक मिल जाता है ना दैट इज ऐसे बोलते हैं ना सोने पे सुहागा हो गया है ना तो बहुत अच्छे से काम भी कर लेता है अगर वो सेम पेशेंट होगा है ना कार्तिक का पेशेंट है उसके बाद एलर्जी केमिकल एक्सपोजर तो ये पक्का था है ना उसको तो ऐसे वाला स्टेट हम लोग बहुत ज्यादा हो सकते हैं All aspects are very beautifully elaborated, ma'am. Very nicely explained. Thank you. You covered almost all the aspects. Thank you very much. Thank you, ma'am. और किसी को कुछ doubt है कुछ पूछेंगे पूछना चाहेंगे अगर कुछ add करेंगे डॉक्टर नेहा आप हैं क्या भाई नहीं है ना नहीं है मैम तो नहीं है वो वाला थैंक यू बहुत अच्छा केस मैडम थैंक यू सर मैडम इसमें एलएम भी सोच सकते थे क्या जो स्किन में बोलते कि एलएम जी सर लेकिन ना मैं ना ये 200 में भी मतलब वो ना पहली बार 200 ही दी थी मैं एलएम नहीं रखी थी लेकिन ना मेरा और एक पेशेंट का मैं बताना चाहूंगी एक तो ना सोरियासिस का पेशेंट था सर तो मैं ना उसको एलएम दी थी और 0/2 0/4 में ना पूरा क्लियर हो गया था वो उसका तो बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग था मतलब ऐसे 6-7 ईयर्स ऐसे वाला केस था लेकिन उसका कुछ नहीं है मेरे पास फॉलो अप वगैरह फोन नंबर कुछ नहीं है तो मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ लेकिन वो भी वो एलएम में मैं दी थी क्योंकि अभी इनका ना क्या है कि ओनली हैंड कॉन्फाइन था है ना उनका होल बॉडी था स्काल्प था ऑल ओवर द बॉडी था तो उसी केस में ना हम लोग ज्यादा तो उसको ना क्या करना है अभी वो जैसे कि 0/2 हुआ ना हम लोग तो ऐसे मिलता है 30 ml है ना तो उसका 10 drops ना 100 ml में डाल के 2 दिन ऐसे वो 100 ml को 2 दिन में खत्म करना मतलब जो 10 drops जैसे 30 ml से हम लोग 10 drops निकाले ना उसको फिर से ये करके मतलब स्ट्रोक देके उसको 100 ml को 2 दिन मतलब ऐसे अल्टरनेट डे ऐसे वाला हो जाता है तो उसका ना 1 50 ml का भी बहुत ज्यादा दिन चला जाता है 1 महीना ऐसे चला जाएगा ऐसे केस में थोड़ा जो कि बहुत ज्यादा मतलब वो केस में दे सकते हैं 50 ml और उसको ना फिर से फ्रैक्शन करके 100 ml में ऐसे वाला सही रहता है थैंक यू सर सर एलर्जी वाला रूब्रिक देख लीजिए मैं शेयर की अभी मैं एनालिसिस पार्ट भी शेयर कर दूँ